यस वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं कि बिना लॉग टेबल के लॉगरिथम को कैसे सॉल्व किया जाए। वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे लॉग वन की वैल्यू हमेशा होती है जीरो, बेस चाहे कुछ भी हो। यहाँ नॉर्मली बेस टेन होता है, साधारण लग गुड़क में। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम जिसमें बेस होता है ई। अब लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ बेस हर जगह टेन है क्योंकि साधारण लग गुड़क है ये। लॉग टू की वैल्यू होती है 0.03010। लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.4771। अब लॉग फोर की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। जैसे ये बॉक्स में लिखी है, पावर है वो आगे आ जाती है लाइक दिस। अगर नंबर इनटू में है तो प्लस में हो जाएंगे, डिवाइड में है तो माइनस। लॉग फोर है इसको लिखेंगे लॉग टू स्क्वायर, अब ये हो जाएगा टू लॉग टू, और लॉग टू की वैल्यू होती है 0.3010। ये कितना हो जाएगा 0.6020। फाइव है, लॉग फाइव की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको लिख सकते हैं लॉग टेन अपॉन टू। अब इसमें डिवाइड वाली प्रॉपर्टी, लॉग टेन माइनस लॉग टू, लॉग टेन की वैल्यू हमेशा होती है वन, बेस लेकिन टेन होना चाहिए। लॉग टू तो पता है 0.3010, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.6990। 0.6990। अब लॉग सिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिक्स का मतलब लॉग टू इंटू थ्री, इसका मतलब लॉग टू प्लस लॉग थ्री, मल्टीप्लाई में लॉग है प्लस कर देता है। अब लॉग टू पता है कितना होता है 0.3010, लॉग टू होता है 0.4771, इनको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.7781। तो ये 0.7781। अब लॉग सेवन है, लॉग सेवन की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू होती 0.8450। अब लॉग एट है, लॉग एट का मतलब लॉग टू क्यूब, यानी कि थ्री लॉग टू हो जाएगा, ये थ्री इंटू लॉग टू की वैल्यू हो जाएगी 0.3010। वेरी इजी, तो इट बिकम्स 0.9030। मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, इसमें 0309 डेसिमल लगा देंगे यहाँ। अब लॉग नाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, नाइन का मतलब थ्री स्क्वायर, ये हो जाएगा टू लॉग थ्री, लॉग थ्री का टू टाइम्स, लॉग थ्री का टू टाइम्स कितना हो जाएगा, ये टू इंटू 0.4771, तो ये हो जाएगा 9.9542। टू वन जा टू, टू सेवन जा फिर फाइव, फिर नाइन, कैरी। लॉग टेन होता है वन, बट बेस है वो टेन होना चाहिए। लॉग में प्रॉपर्टी होती है जब बेस और नंबर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू होती है वन, वैल्यू हमेशा जीरो होती है चाहे बेस कुछ भी हो। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, इनको टू डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं। इसको नॉर्मली 0.301 शो किया जाता है, इसको 0.48 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, ये 5 से बड़ा, इसमें इसको ऐड कर देंगे इसलिए ये हो जाएगा 0.60। इसको लिख सकते हैं 0.70, ये हो जाएगा 0.78। ये नंबर 5 से ज़्यादा है इसलिए इसको लिख सकते हैं 0.85, तो 0.90। जैसे इस एंटी लॉक की वैल्यू निकालनी है बिना टेबल का यूज किए हुए, तो अंदर वाले नंबर को कैसे लिखेंगे, 5 प्लस अलग अलग कर देंगे 0.30
10 नाउ एंटी लॉग 5 का मतलब लॉग ऑफ 10 की पावर 5, तो इसका मतलब 0.3010 ये होती है लॉग 2 की वैल्यू। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 × 10 पावर 5। तो एंटी लॉग और लॉग जब एक साथ होते तो ख़त्म हो जाता है ये दोनों, तो केवल नंबर बचेगा 2 × 10 पावर 5, ये आंसर है। एंटी लॉग और लॉग ऑफ एक्स अगर लिखा है तो केवल एक्स, ये प्रॉपर्टी है। एंटी लॉग लॉग को ख़त्म कर देता है, जैसे वायरस और एंटी वायरस एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। अब ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग तो ऐसे रहेगा अंदर, इसको लिखेंगे 4 + 0.4771 नाउ एंटी, 4 का मतलब लॉग ऑफ 10 की पावर 4 प्लस 0.4771 किसकी वैल्यू होती है, लॉग ऑफ ये लॉग 3 की वैल्यू है, यस। तो ये हो जाएगा पूरा लॉग 3 × 10 पावर 4, बाहर एंटी लॉग ऐसे रहेगा, शॉर्ट में एंटी लिख देंगे, एंटी और एंटी लॉग, एंटी लॉग एंड लॉग नलीफाई कर देंगे तो बचेगा सिर्फ 3 × 10 पावर 4, दैट्स इट। इन द सेम वे इसको सॉल्व करेंगे, एंटी लॉग के अंदर इसको अलग लिख देंगे 3 + 0.85, अब 3 को लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 पावर 3 प्लस 0.85 की जगह अभी वैल्यू याद की थी, इसकी वैल्यू किसकी है, इसको लिख सकते हैं लॉग 7, अब ये हो जाएगा लॉग ऑफ 7 × 10 पावर 3, और बाहर एंटी लॉग ऐसे ही रहेगा। अब एंटी लॉग और लॉग ख़त्म तो केवल क्या बचेगा, नंबर बचेगा 7 × 10 पावर 3। अब ये इम्पोर्टेंट, नेगेटिव को कैसे करेंगे, सबसे पहले नेगेटिव को बदलना पड़ेगा पॉजिटिव में, तो इसके सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, -11 - 0.70 इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 + 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे। अब जो +1 है वो इसके साथ सॉल्व कर देंगे, और इसको इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग, ये -11 - 1 माइनस का 12, अब 1 - 7 0, तो ये हो जाएगा इट बिकम्स 0.30। अब आसान हो गया काम, एंटी लॉग ऑफ इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 पावर -12, लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग 0.3010 यानी कि लॉग 2, और एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 2 × 10 पावर -12। अब एंटी लॉग और लॉग ख़त्म हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 × 10 पावर -12, दैट्स इट। इन द सेम वे इसको सॉल्व कर देंगे, एंटी लॉग इसको लिखेंगे 5 + 0.3010 नाउ एंटी लॉग इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 पावर 5 प्लस ये लिख देंगे लॉग ऑफ 2, लॉग 2 की वैल्यू 3.3010 होती है, अभी हो जाएगा लॉग ऑफ 2 × 10 पावर 5, बाहर एंटी लॉग, एंटी लॉग लॉग खत्म, 2 × 10 पावर 5। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन, नाउ दैट्स इट।